नशे में धुत होकर मलाइका अरोड़ा ने पार्टी में मचाया कोहराम। बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के 91वें बर्थडे पर मनीष मल्होत्रा के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर ने ग्रीन पार्टी दी। बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हस्ती इस पार्टी में पहुंची और जमकर मस्ती की, और ये पार्टी इतनी ग्रीन थी कि अब भी खबरों में बनी हुई है। कैटरीना, करीना, सुष्मिता, सेना, सुशांत और कृति के बाद अब मलाइका अरोड़ा भी इस पार्टी के कारण खबरों में है। ये बात तो आप जानते हैं कि मलाइका और अरबाज खान अब अलग हो चुके हैं और वो इन दिनों अपने सिंगल स्टेट्स को एंजॉय कर रही है। मनीष मल्होत्रा की इस पार्टी में भी मलाइका अरोड़ा ने खूब एंजॉय किया। सभी की तरह मलाइका ने भी पार्टी में जमकर मस्ती की है, लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली और अपना आपा खो बैठी। सूत्रों की बात करें तो मलाइका ने इतनी शराब पी ली थी कि उनकी टांगें लड़खड़ाने लगी थी। उनकी ऐसी हालत कई लोगों ने देखी। ऐसे में एक ट्रेस सोनम कपूर भी वहीं मौजूद थी। सोनम ने मलाइका को इस हालत में देखा तो वे उसकी मदद के लिए आगे आई, लेकिन जैसे ही सोनम ने मलाइका की मदद करनी चाही, मलाइका उल्टा उन पर भड़क गई। मलाइका ने नशे की हालत में सोनम से कहा, मुझसे दूर रहो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। इतना सुनते ही सोनम उनसे दूर हट गई, लेकिन असल बात ये थी कि मलाइका अरोड़ा इतने नशे में थी कि उनके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल ही था। इसके बाद पार्टी में कोई भंग न पड़े इसलिए पार्टी के करण जौहर और मनीष दोनों आगे आए और मलाइका को संभाल कर दूसरी तरफ ले गए। इससे पहले भी मलाइका अरोड़ा को लेकर मीडिया द्वारा कई तरह की खबरें सामने आ गई है और अब हाल में आई इस खबर भी हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल वे लगातार सुर्खियों में छाई हुई है।